हेलो एवरीवन, कुछ ही घंटों में सीमैट की फाइनल एग्जाम होने वाली है। ठीक है, कुछ लोगों का एग्जाम मॉर्निंग स्लॉट में है, कुछ लोगों का एग्जाम आफ्टरनून स्लॉट में है। अ लॉट ऑफ यू आर हैविंग प्री एग्जाम जिटर्स। किसी को नर्वसनेस है, किसी को डर लग रहा है, किसी को स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही है। सो टू हेल्प यू आउट विद योर फाइनल डी डे स्ट्रैटेजी, क्या करना है क्या नहीं करना है, हियर आई एम मेकिंग दिस क्विक वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आई वुड जस्ट रिकमेंड वन थिंग, जो भी आपका स्ट्रेंथ होगा मेक श्योर यू स्टार्ट विद दैट। ठीक है, बिकॉज सी अंडरस्टैंड, 180 मिनट से आपके पास 3 घंटे का पेपर है और सिर्फ 100 क्वेश्चन ही है, तो ऑब्वियसली आपको समय बहुत ज्यादा मिलने वाला है। बट इफ यू स्टार्ट विद अ सेक्शन विच इज योर स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन टैकल करना काफी सारा ईजी हो जाता है। So either start with the section which is your strength, or I would recommend you start with the GK section. क्यों GK section क्यों करना है सबसे पहले? Is because GK section को बहुत ज़्यादा time लगेगा नहीं। देखिए, there are only 20 questions. तो GK के 20 questions करने को भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। ठीक है? So either you start with your GK section or you start with the section which is your strength. उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द सेक्शन विच इज वेरी इजी, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई फील आर वेरी कंफर्टेबल विद लॉजिकल रीजनिंग। तो जीके या आपका जो भी स्ट्रेंथ रहेगा वो सेक्शन के बाद प्रोबेबली द नेक्स्ट सेक्शन विच यू कैन गो टू कुड बी लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चन है, बट लॉजिकल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन को मान के चलिए आपको अराउंड 30-35 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि द डिफिकल्टी लेवल across the past papers for CMAT in logical reasoning has been very easy. ठीक है, तो आप कर सकते हैं 20 के 20 questions करीबन 35 minutes max में हो जाएंगे। उसके बाद verbal, English, तो English में काफी सारे RCs भी आते हैं, थोड़ा बहुत grammar आता है, and considering all of it 20 questions है, English को भी ज्यादा time नहीं लगता। अब रह गया innovation and entrepreneurship and quantitative aptitude. देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को थोड़ा टाइम डेफिनेटली लगने ही वाला है। क्वांट इज जनरली ऑफ एन इजी टू मॉडरेट लेवल। ठीक है, आउट ऑफ द 20 क्वेश्चंस ऑफ क्वांट जनरली 7 to 8 क्वेश्चंस जो है वो डेटा इंटरप्रिटेशन के आते हैं, तो उसमें सॉल्विंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो प्रोबेबली आप ऐसे कर सकते हैं कि क्वांट को अराउंड आराम से 20 क्वेश्चंस को 35-40 मिनट्स देके सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इनोवेशन करिए, या फिर इनोवेशन पहले कर लीजिए और फिर क्वांट को आराम से आखिरी का जो भी टाइम रहेगा you can give to your quant section. Now, as far as innovation and entrepreneurship is concerned, usko kitna time lagega? 20 questions hai, theek hai? Situation-based questions rehte hain. Basic concepts pe questions aa sakte hain. Badi-badi companies, CEOs, brands, taglines, us pe questions aa sakte hain. So, thode theoretical questions hai. So, usko bhi zyada time nahi lagta. Ye bhi 20 questions aapko karne ko maximum 30 minutes lagega. तो बचा हुआ पूरा टाइम आप एंड में क्वांट को दे सकते हैं, या फिर क्वांट को पहले करके एंड में इनोवेशन कर सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, आई वुड रेकमेंड कि एंड में क्वांट कीजिए, बिकॉज बाकी के सारे सेक्शंस बहुत जल्दी हो सकते हैं, तो आप आराम से 40-45 मिनट्स क्वांट को दे सके, देकर धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस करेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, प्रोवाइडेड योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर इज, प्लीज ज्यादा फ्लूक्स मत मारना, ज्यादा तुक्के मत मारना। इफ यू आर नॉट श्योर, स्पेशली जीके में और एंटरप्रेन्योरशिप में, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट एन आंसर, अगर आपको कुछ भी आइडिया नहीं है आंसर के बारे में, तो प्लीज कुछ भी मार्क मत करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। इफ यू फील, इफ यू आर लेट्स से 60-70% श्योर कि यही आंसर हो सकता है, या 70-80% लग रहा है कि हाँ ये आंसर है, कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, सो प्रोबेबली यू कैन टेक अ चांस एंड मार्क दैट। लेकिन अननेसेसरी अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसको मार्क नहीं करना है। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज इज जस्ट रिलैक्स, बी काम, बिकॉज सीमैट पेपर का डिफिकल्टी लेवल काफी इजी होता है कंपेयर टू योर कैट, एनमैट, स्नैप। आप लोग इतनी सारी एग्जाम्स दे चुके हो, उसके कंपेरिजन में सीमैट का डिफिकल्टी लेवल इज प्रिटी लो। ऑल्सो यू आर गोइंग टू गेट एम्पल ऑफ टाइम टू कम्प्लीट द पेपर, so most of you will finish the paper within 2 to 2.5 hours. 2 se 2.5 ghante mein most of students ka paper ho jata hai. Theek hai, having said that, I would still recommend you start with your strength, start with a section which is strong for you, uske baad second strength, third strength, fourth strength and so on. Ye ek pattern maine diya hua hai, aapko chahiye to aap ye pattern definitely follow kar sakte hain, it can be very helpful to you guys. Theek hai, so remember, agar paper mein thoda bhi
अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होगा, ठीक है, तो परसेंटाइल जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, जो कट ऑफ है वो लो हो जाएगा. सो यू डोंट नीड टू गेट स्केयर्ड कि पेपर डिफिकल्ट आया है इस साल, व्हाट शुड आई डू, क्या करूं, 85 अटेम्प्ट करना है, 90 अटेम्प्ट करना है, सो ऑन एंड सो फॉर. जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, अगर पेपर आपके लिए डिफिकल्ट है तो सबके लिए डिफिकल्ट है, प्रोवाइडेड यू हैव स्टडी, ठीक है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ लो होगा. लेकिन अगर पेपर इजी आया, अगर आपके लिए इजी है तो सबके लिए इजी होगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका कट ऑफ जो है वो हायर जाएगा. तो कीप दीज फ्यू थिंग्स इन माइंड व्हेन यू आर सॉल्विंग द पेपर. सो दिस डज नॉट मीन कि आप 90 क्वेश्चंस करके आओगे, 88 क्वेश्चंस, 87 क्वेश्चंस करके आओगे, इवन दो यू आर नॉट श्योर. अगर श्योर नहीं है तो प्लीज आंसर्स मार्क मत करना, थोड़ा बहुत रिस्क लेना चलेगा. बहुत ज्यादा रिस्क लोगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा, तो बहुत सारा स्कोर ड्रॉप हो जाता है. सो मेक श्योर यू कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स. ऑल्सो मेक श्योर यू कैरी योर एडमिट कार्ड, योर पासपोर्ट साइज फोटोज, योर पेन्स, एवरीथिंग. पूरा इंस्ट्रक्शन शीट में दिया है. दो पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए, एडमिट कार्ड प्रिंटेड या फिर कलर्ड, ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ भी चलेगा. और पेन्स जो है, ट्रांसपेरेंट पेन्स प्लीज अपने साथ कैरी कीजिए. थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाना सेंटर पे, लेट मत होना, बिकॉज फिर बाद में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स फेस होती है. जस्ट रॉक द एग्जाम. आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इजी पेपर. जस्ट दिस इज योर लास्ट लैप, योर फाइनल चांस टू गेट इनटू जमनालाल बजाज दिस ईयर. सो प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ इट. आई विश ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट. और जाओ पेपर फाड़ के आओ. ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.